हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे को नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो आपकी यूट्यूब की जो पेमेंट आती है, क्या वो बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपका अकाउंट है तो उसमें आ जाएगी, साथ ही कितना ट्रांजैक्शन जो चार्ज है वो कटता है, और कितने दिन में अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बैंक अकाउंट है तो कितने दिन में वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो जो सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अकाउंट था बैंक में, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो पेमेंट आई वो कितने दिन लगी, कितना चार्ज कटा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक जरूर देखते रहना इस वीडियो को। ज़्यादा टाइम ना होकर वेस्ट करते हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है तो आपका सबसे पहले आपको जो काम करना है, जब आप गूगल एडसेंस में अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड ये सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कि ये जो चीज़ थी वो मेरे मैनेजर, मैं गया था ब्रांच में, उन्होंने बताई थी कि अगर आपका बाहर से पेमेंट आ रहा है, इंटरनेशनल पेमेंट आ रहा, तो आपका जो स्विफ्ट कोड, आईएफएससी कोड और जो बैंक अकाउंट है वो सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये गलत हो गया तो आपकी पेमेंट कभी भी नहीं आ पाएगी। एंड गाइस, इसके बाद जब आपका बैंक अकाउंट और जो स्विफ्ट कोड, आईएफएससी कोड ये सब कुछ सही होगा तो आपकी जो यूट्यूब की जो पेमेंट है, जैसे कि आपको पता है, वो 21 तारीख को आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो आपको पहले करना क्या है, आपको 21 तारीख से 26 तारीख तक, यानी कि 5 दिन तक वेट करना है। आपको बैंक की जो ब्रांच है उसमें नहीं जाना है, 5 दिन आपको मिनिमम वेट करना ही करना है। 5 दिन से 6 या 7 दिन भी आप वेट कर सकते हैं, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में जिनका अकाउंट है वो। उसके बाद आपको करना क्या है, या तो बैंक की तरफ से ही 5 या 6 दिन के अंदर आपके पास कॉल या मैसेज आ जाएगा, या फिर आपको बैंक में जाना पड़ेगा। दो काम होते हैं, और तीसरा काम ये भी होता है कि आपको ना बैंक के ब्रांच जाने की ज़रूरत है और ना ही आपको बैंक वाले बुलाएंगे, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो पैसा आपका आया है विदेश से, यूट्यूब से, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मैं ब्रांच में गया था 4th दिन, तो वहाँ पे मैनेजर से मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बाहर से यूट्यूब से मेरी पेमेंट आई, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि पता नहीं, वो बोल रहे थे कि आपके साथ फ्रॉड कुछ लोग कर रहे होंगे, वो ऐसे ही आपको नकली ये मैं भेज रहे होंगे। तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है, यूट्यूब बहुत बड़ी कंपनी है गूगल की तरफ से। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए, मैं आप जाइए घर पर, अगर 2-3 दिन होगा बताना, उसके बाद तो मैं घर चला आया, उन्हें तो कुछ समझ में आया नहीं। फिर जैसे ही मैं घर पर आया, उसके अगले दिन ही जो ट्रांजेक्शन थी वो मेरे अकाउंट में हो गई, और जो मेरी पेमेंट थी $220-225 के करीब, वो पूरी की पूरी मेरे अकाउंट में आ गई थी। अब बात कर लेते हैं कि जो चार्ज है वो कितना कटा। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे कि बैंक ऑफ बड़ौदा वाले 1500 रुपये काट लेते हैं, 2000 रुपये काट लेते हैं, तो मेरे जो कितने काटे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी पेमेंट आई थी लगभग $220 के, जो ट्रांजेक्शन मेरी कटी थी वो सिर्फ 45 रुपये कटे थे डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करने के लिए, और जो 1500-2000 ये यूट्यूब पे बता रहे हैं वो सब फेक है, सिर्फ 45 रुपये कटते हैं। और RBI जो जितनी सरकारी बैंक है RBI में, वो भी 45 रुपये ही चार्ज काटती हैं। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं, ईजिली आपकी पेमेंट आ जाएगी। अगर आप, मेरी तो डायरेक्ट आ गई थी, आपको अगर हो सकता है आपकी ब्रांच में आपको डिस्पोजल फॉर्म भरवाना पड़े, एक फॉर्म आता है वो फॉर्म भरवाना पड़े। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत ही अच्छी बैंक है यूट्यूब पेमेंट लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मेरा जो पेमेंट का एक्सपीरियंस वो कैसा रहा, मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार रहा। सिर्फ 5वें दिन के अंदर ही मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गई थी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे टैक्स से रिलेटेड शानदार यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।